हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्डे गार्डन। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोलियस की कुछ कटिंग जो मैंने पानी में ग्रो की थी, वो सॉयल में कैसे शिफ्ट करते हैं, उनको मिट्टी में कैसे लगाते हैं, ये मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगी कुछ कटिंग्स को। देखिए, ये पानी में लगी हुई हैं कोलियस की कटिंग, कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसमें, बहुत सारी रूटिंग हुई है इसमें, बहुत अच्छी रूटिंग हो चुकी है। काफ़ी दिन हो गए हैं लगे हुए पानी में, तो अब मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट करूँगी। आज देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसके लिए एक छोटा सा पॉट लिया है, क्योंकि अभी कटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अभी छोटे पॉट में ये चल जाएंगी। और इसके लिए मैंने कुछ मिट्टी तैयार की है, उसके बारे में बताऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, किस कदर इसमें रूटिंग हुई है, बहुत अच्छी रूटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी इसके कलर जो हैं सही नहीं लग रहे हैं, पत्तों के कलर लाइट हैं। अभी कलर सही आ जाएगा, मिट्टी में लगाने के बाद इसका कलर भी सही हो जाएगा। ये देखिए, इसके लिए मैंने पॉट लिया है और ये मैंने इसके लिए सॉयल मिक्सचर तैयार किया है। 80% मैंने जो है सैंडी सॉयल ली है, और 20% के करीब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। और मैं थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी फंगीसाइड पाउडर, और थोड़ा सा एमपीके आधी चम्मची तक, और एक चम्मच तक मैं इसमें एप्सम साल्ट भी मिलाऊंगी, जिससे मिट्टी हमारी बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छा सॉयल मिक्सचर तैयार होगा और हमारी कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रो होंगी इस मिट्टी में। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा एनपीके 99:19 है, ये थोड़ा सा लिया है मैंने, आधी चम्मची से भी कम। और ये देखिए, आधा चम्मच तक मैंने जो है इसमें ये फंगीसाइड पाउडर लिया है, क्योंकि छोटा सा पॉट है, मिट्टी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी मुझे सॉयल मिक्सचर तैयार करना है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें मिक्स करना है। ये देखिए, थोड़ा सा एप्सम साल्ट लिया है मैंने इसमें डालने के लिए, ये हमारे प्लांट की रूटिंग में मदद करता है, रूटिंग अच्छी होती है इससे। और एनपीके भी हमारे प्लांट्स की ग्रीनरी बनाए रखता है और रूटिंग में बहुत हेल्प करता है। फंगीसाइड हमारे प्लांट फंगस लगने से बचाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं बहुत अच्छी सी सॉयल मिक्सचर तैयार कर रही हूँ उस प्लांट के लिए। ये देखिए, ये सब जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इस पॉट में भर लूँगी। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारी चीज़ों को, ताकि सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कोलियस की कटिंग फ्रेंड्स पानी में बहुत जल्दी बहुत अच्छी ग्रो होती है, बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है बहुत जल्दी। और थोड़े दिन हम पानी में ग्रो करने के बाद जब रूटिंग अच्छी से हो जाए, तो मिट्टी में लगा सकते हैं, हमारा एक अच्छा सा प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरह से कोलियस के प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन पानी में जो है वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है। देखिए, कितनी बड़ी बड़ी रूट्स निकली हुई हैं इसमें, इस कटिंग में। ये देखिए, इस तरह से जो है इसमें लगा देना है। बहुत अच्छी रूटिंग हो जाती है पानी में, आप कुछ दिन पानी में डाल के रख देंगे अगर, तो बहुत अच्छी रूटिंग हो जाएगी। लेकिन बस कोशिश यही करें कि पत्ते पानी में ना डूबें, और नीचे का जो रूटिंग के लिए जो पार्ट होता है वही डूबे पानी में, और जो लीव्स होती हैं वो पानी में ना डूबें। पानी में डूबने से जो है लीव्स जो हैं सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और प्लांट में फंगस आने का डर रहता है, प्लांट्स ख़राब होने का डर रहता है, कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। इस तरह से बस इतनी कोशिश करें कि पत्तों को पानी में डूबने ना दें आप। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा जो है कटिंग लग के तैयार हो गया इसमें। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के से टैप कर दें, ताकि जो एयर बबल्स हों वो निकल जाएं, और हाथों से हल्के से प्रेस कर दें मिट्टी को। ये बहुत छोटी सी वीडियो है फ्रेंड, आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। आपको कुछ हेल्प मिले इससे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। ये देखिए, एक पहले से ही मैंने लगा के रखी थी पानी में, मैंने ग्रो करके ये वाइट पॉट वाली जो है पानी में पहले ही ग्रो की थी मैंने, और मैंने फिर मिट्टी में लगा दी। देखिए, ये भी अच्छे से चल रही है, और एक आज ही मैंने अभी लगाई है फ्रेंड। ये देखिए, ये दोनों कटिंग जो है लग के तैयार हो गई हैं, और बस इसको अभी जो है शेड में रखना है। वैसे भी कोलियस को शेड में ही रखते हैं, ये इंडोर प्लांट है, ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसको जो है शेड में ही रखना है अभी अंदर, क्योंकि अब धूप भी थोड़ी तेज़ होने लगी है, और आगे आने वाला मौसम बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए गर्मी से इसको बहुत बचाना पड़ता है फ्रेंड। कोलियस बहुत नाजुक होता है,
और बहुत गर्मी से बचाना पड़ता है। आप लोग इसको शेड में रखें या फिर कोई आपके पास बड़े बड़े से प्लांट लगे हों, पौधे हों बड़े, तो उसके नीचे आप शेड में रख सकते हैं, उसके पौधों के शेड में रख देंगे तो वहाँ पर भी ये सही बना रहेगा। इसको जो है धूप से बचाना पड़ता है, धूप में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। गर्मी में कोलियस को बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।